तो मध्य प्रदेश की देवी अहिल्याबाई होलकर चौथराम थोक मंडी में आलू प्याज और लहसुन की आवक कमजोर बनी हुई है, बाजार भी स्थिर बने हुए हैं। फिलहाल 10 से 12 दिन बाजार ही इसी तरह चलता दिख रहा है। कारोबारियों को उम्मीद है कि मई के आखिर में प्याज और लहसुन में अच्छे माल की आवक और मांग निकलती दिखाई देगी। व्यापारियों के अनुसार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान, सभी प्रदेशों में प्याज निकलने का यह आखिरी दौर है। हल्का माल बाजारों में खपाया जा चुका है, अब थोड़ा बहुत प्याज और मंडियों में पहुंचेगा। बंगाल और बांग्लादेश में माल भी आखिरी दौर में है, वहां माल खत्म होने के बाद प्याज की मांग निकलेगी और स्थानीय बाजारों से माल में उठाव दिखाई देगा। शादी ब्याह समाप्त होने के बाद किसान सोयाबीन की बुआई की तैयारी करेंगे, इस दौरान भी अच्छी लहसुन बाजार में आ जाएगी। अच्छा माल निकलने से मांग भी अच्छी ही निकलेगी, अब तक हल्का माल ही बाजार में खपाया जा रहा था। मई के आखिर में बाजार में सुधार आ सकता है, ऐसा व्यापारियों का मानना है। हालांकि सुधार कितना होगा यह बाकी स्थितियों पर निर्भर करेगा। तो यानी कि लहसुन और प्याज के व्यापारियों का अनुमान है, उनको ऐसी उम्मीद है कि मई के आखिर में जो नया माल आएगा लहसुन और प्याज का, जो अच्छा माल आएगा, उससे डिमांड भी बढ़ेगी और कीमतें भी। अब तक जो मंडियों में माल आ रहा था वो हल्का माल था, जो कि अब तक खपाया जा चुका है। धीरे धीरे अब जो पुराना माल था उसकी आवक सिमट रही है और नए के आने की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।